ये शहादतें जो है वो जवानों को देनी पड़ी। ये तो भगवान ही जानता है, फारूक अब्दुल्ला नहीं। समझता जब उनको भी होश आ जाएंगे जो बॉर्डर के पार हैं कि ये कश्मीर उनको मिलने वाला नहीं है, तब वो समझ जाएंगे कि ये बेकार की बात कर रहे हैं। खामुखा जवानों को भी मार रहे हैं, हमारे बॉर्डर पे हमारे लोग मर रहे हैं, कहीं औरतें मर रही हैं, कहीं बच्चे मर रहे हैं, कहीं बूढ़े मर रहे हैं, और ये रोज़ का सिलसिला है। अभी आपने देखा कल भी उन्होंने आतंकवादी भेजे जिनमें कई हमारे फौजी भी शहीद हो गए। ये एक अजीब मसला है। मैं समझता हूँ कि दुनिया अब आतंकवाद के ख़िलाफ़ हो गई है, और जितना ये करेंगे उतना उन पे और भी असर पड़ेगा। अमेरिका ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, और इसी तरह अगर वो ये करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी उनका साथ छोड़ देंगे। जहाँ तक इस जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जो आजकल की हुकूमत है वो इतना कर नहीं रही है। हमारे बच्चे बेकार हैं, आज भी कोई इंडस्ट्री नहीं है। फिर ये जो कहते हैं कि GST और पैसा जो इनने बदला दिया उससे नोटबंदी स्थिति ठीक हो गई, कोई ठीक नहीं हुई, स्थिति ख़राब है। हमारा टूरिस्ट सीज़न आ रहा है, अभी टूरिस्ट सीज़न भी नहीं होगा अगर यही चलता रहा। फिर भगवान भी नाराज़ है, ना बारिश है ना बर्फ़ है, आज किसानों को बारिश की ज़रूरत है। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा ज़रा प्रार्थना ज़रा ज़ोर से करें, ऐसी बात नहीं है। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। उनके पास भी ऐसे हथियार हैं जो हमारे पास हैं, करोड़ों लोग मरेंगे दोनों तरफ से। अगर आप लोग तैयार हैं कि आप लोगों ने लोगों को सारे जो हिंदुस्तान 70 साल में बना है उसको कुछ दिनों में ख़त्म करना है, करिए, कौन रोकता है, कर लीजिए युद्ध। तो क्या समझते हैं किस तरह से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ये दूरियां जो है वो ख़त्म होंगी और लोगों को एक सूले जो है वो मिले? वक्त में हो जाएगा, ये होता है कभी कभी, वक्त लगता है और हमें लगता है कि ज़्यादा वक्त लग रहा है, मगर मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा।